आज हम बात कर रहे हैं गांव की सड़क व्यवस्था की। आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां तक परिवहन व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। अधिकतर किसान अपनी फसल को लेकर व्यापारिक मंडियों तक नहीं पहुंचा पाते और रात दिन खेतों में परिश्रम करने के बावजूद इस परिश्रम का लाभ नहीं उठा पाते। 70 वर्ष बीत गए लेकिन आज भी गाँव में सड़कों की ऐसी हालत है, ना तो पता चलता है कि यह सड़क है और ना ही पता चलता है कि यह तालाब है। ग्राम पंचायत को गणराज्य बनाने का संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गाँव की स्थिति को कैमरे में कैद करके सरकार के सामने लाने का प्रयास कर रही एबीपीएस न्यूज टीम जिला बरेली की तहसील आंपला क्षेत्र के गांव कलिया में पहुंची। ग्रामीणों से बात करने के साथ साथ ग्राम प्रधान नेमचंद मोर्य से बात करके विकास कार्यों और सरकार से गांव की अपेक्षाओं पर चर्चा की। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान बताया कि जितना धन ग्राम निधि से सरकार द्वारा प्राप्त हो रहा है उनके अनुसार विकास कार्य हो रहे हैं। मैं नेमचंद मौर्य ग्राम कलिया और ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद से बोल रहा हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो काम सरकार ने दिए हैं वो मैंने कराए हैं और लाइटें, सोलर लाइटें लगवाई हैं मैंने और बत्ती की जो प्राइजेज लाइटें आई हैं वो भी मैंने 49 लगवा दी और मैंने खरंजा मरम्मत के 3-4 काम भी करा दिए और उसके अलावा जो सरकार दे रही है अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। और कहने का मतलब ये है कि पंचायत घर एक अगर हमको मिल जाए, एक बारात घर मिल जाए, शमशान भूमि की बाउंड्री भी हो जाए तो सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि ये चीज़ भी हमको मिलना चाहिए। और दूसरी बात है सीसी हमारे गांव में बिल्कुल नहीं है, सीसी 4 सीसी ही मिल जाना चाहिए मेन रोडों की, तो इससे बहुत मेहरबानी होगी। और मैं ये चाहता हूँ कि गाँव खुशहाल रहे और शौचालय मैंने अपडेट करा दिए हैं, शौचालय भी आने को ही हैं, शौचालय कोई भी काम चल रहा है और इसी बीच गांव की अच्छी जगह से मैं चल रहा हूं और अच्छी जगह व्यवस्था भी करा रहा हूं और जितनी भी जो है, जितनी भी जो सरकार हमको देगी वो हम करने में एकदम सक्षम रहेंगे। इस गांव की तहसील मुख्यालय से दूरी 10 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 27 किलोमीटर है। लगभग 3000 की आबादी और 1100 वोटरों के इस गांव में राशन कार्ड धारकों की संख्या 425 ही है, तो वहीं विधवा पेंशन 18 में से 8 लाभार्थियों को ही प्राप्त हो रही है। बात अगर वृद्ध पेंशन की हो तो इसका लाभ 15 लाभार्थियों को ही मिल पा रहा है, जबकि लगभग 40 ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्हें वृद्ध पेंशन मिल जाए तो उनके बुढ़ापे की लाठी के रूप में उनका साथ देने में जीवन के लिए अमूल्य योगदान होगा। शिक्षा की बात की जाए तो गांव के प्राथमिक विद्यालय में अनुशासन के साथ बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गाँव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 22 हैंडपंप लगवाए हैं व 5 और हैंडपंप की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गाँव में 100 विद्युत पोल तथा 6 विद्युत ट्रांसफार्मर, 10 सोलर लाइट व 49 स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई हैं। साथ ही साथ गांव में 3 खडंजे, सीसी टाइल्स रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं सरकार से इस गांव की मांग है कि उन्हें पंचायत घर, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट की बाउंड्री, आंगनबाड़ी केंद्र, सीसी टाइल्स रोड, 57 प्रधानमंत्री आवास, 192 शौचालय तथा बड़े नाले का निर्माण करवाया जाए। कुमार दिवाकर है और मैं इसी कलिया में रहता हूँ और हमारे यहाँ से कलिया से और राजपुर तक कच्ची रास्ता है, आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है रास्ते पे, बरसात हो जाती तो निकल नहीं पाते हैं यहाँ से और कई एक बार इसका सर्वे हो गया है और लोग बताते हैं इसका ठेका हो चुका है, अब अगले महीने से सड़क पड़ेगी इस पर या कुछ होगा, वो आज तक नहीं पड़ा है, कम से कम इस पर 5-6 महीने हो गए। कलिया से हूँ, मैं ये चाहता हूँ मेरे गांव में विकास तो हो, बस वो प्रधान जी करा रहे हैं पर मेरे गांव में एक पंचायत घर या बारात घर मतलब बन जाए तो उससे मतलब गांव के लिए बहुत विकास का कार्य हो